सो गाइस, स्वादिष्ट दलिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल दिया है और इसी में हमें सारी सब्जियाँ डालकर फ्राई कर लेंगे। सब्जियों में मैंने गाजर, प्याज, कैप्सिकम और आलू लिया है। आप सब्जियाँ अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और इन सभी को हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, हल्का सॉफ्ट ना हो जाए, और हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो अच्छे से मिला लेंगे सभी को। और इसी बीच हम इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल दे रहे हैं जिससे कि हमारी सब्जियां और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी और सब्जियों में नमक भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और मिला देंगे सभी को फिर से अच्छे से इसमें और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। सो गाइस, सब्जी हमारी भून चुकी है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने सभी को प्लेट में निकाल लिया है और देख सकते हैं कलर कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम सेम इसी कढ़ाई में एक चम्मच और घी ऐड करेंगे और इसी घी में हम दलिया को फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में हम एक चम्मच घी डाल दे रहे हैं और घी गर्म हो गया है क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है पहले से ही। और अब हम इसमें अपना ये दलिया ऐड कर दे रहे हैं और साथ ही में हम मूँग दाल भी डाल देंगे। तो मैंने दलिया डाल दिया है और साथ ही में अपना ये मूँग दाल भी डाल दे रहे हैं और इन दोनों को हम अच्छे से 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे चला लेंगे, मिला लेंगे आपस में सभी को अच्छे से। इसे आपको लो फ्लेम में भूनना है, आप फ्लेम हाई ना रखें और आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा। सो गाइस, दलिया भी हमारी भून चुकी है, फ्राई हो चुकी है अच्छे से। मैंने 4-5 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है और दलिया हम कुकर में ही बनाएंगे और इसमें हम एक चम्मच घी डाल देते हैं और घी गर्म हो जाने के बाद में हम इसमें आधी चम्मच जीरा डाल दे रहे हैं। तो मैंने जीरा डाल दिया है और जीरा भी हमारा अच्छे से भून चुका है। और इसी बीच हम इसमें अपना ये फ्राई किया हुआ दलिया और दाल डाल दे रहे हैं। तो मैंने दोनों को साथ ही में कुकर में डाल दिया है और हमें इसे आपस में अच्छे से मिला लेना है ताकि घी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए सभी में। और साथ ही में हम इसी बीच जो हमारी सब्जियां फ्राई करके हमने रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये सब्जियां भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया और सबको अच्छे से मिला देंगे। और इसी टाइम हम इसमें जो हमारे कटे हुए टमाटर है वो भी इसमें डाल देंगे। मैंने टमाटर पहले नहीं डाला था क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर दे रहे हैं और मिला लेंगे सभी को फिर से। और इसी बीच हम इसमें 2 गिलास पानी भी डाल देंगे। अब पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जैसा भी उसका थिकनेस पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है इसमें और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे, आपस में मिला लेंगे। और इसी टाइम हम इसमें सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे, हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दी है आधी चम्मच। और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है और आधी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। और अब हम इसमें आधी चम्मच गरम मसाला डाल दे रहे हैं और लास्ट में हम इसे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो भी आप लेना पसंद करते हो। और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब साथ ही में हम इसमें एक चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। तो मैंने एक चम्मच के करीब यहाँ पे नमक डाला है, आप नमक भी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें इसका ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी लगाने तक पका लेंगे। सो गाइस, हमारी हेल्दी और टेस्टी दलिया बढ़िया बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही है। और आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया पत्ता की गार्निश भी कर सकते हैं, इसके इसमें घी लेकर भी खा सकते हैं। तो गाइस, ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं आपके साथ में नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।